कांग्रेस ने आखिर कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया कुमार जो है भाजपा के सांसद मनोज तिवारी से टकराएंगे। कन्हैया कुमार के इस सीट पर उतरने के बाद यह सीट हॉट सीट बन गया है और इस सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने क्यों उतारा है और कन्हैया कुमार के लिए यह सीट क्यों खास है, क्यों बेहतर है। तो समझिए, उत्तर पूर्वी जो लोकसभा सीट है यह 2008 के परिसीमन में बना है और यह एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इसके अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और 2008 के परिसीमन में जब बना, 2009 में जब यहां पर पहली बार चुनाव हुआ तो यहां से कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद लगातार दो बार से बीजेपी के नेता और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। यह सीट इसलिए मनोज तिवारी आसानी से जीत जाते हैं क्योंकि यहां पर पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है, यानी कि जो भोजपुरी बोलते हैं उनकी संख्या यहां पर बेहतर है और वो मनोज तिवारी को वोट करते हैं क्योंकि मनोज तिवारी भोजपुरी सिंगर हैं और उनका एक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर ध्रुवीकरण की जमकर राजनीति होती है क्योंकि उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में करीब 21-22% जो है मुस्लिम मतदाता है, इस वजह से यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो जाती है। और 2020 में जिस तरह से इस इलाके में दंगे हुए और इस पूरे दंगे की चर्चा जो है देश में हुई और उसके बाद यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा यह भी है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उन पर मनोज तिवारी अपना ज्यादा प्रभाव दिखा पाते हैं या फिर कन्हैया कुमार को वो लोग पसंद करेंगे। कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं, अपने देसी अंदाज से भाषण देते हैं। 2019 के चुनाव में सीपीआई के टिकट पर उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा था लेकिन गिरिराज सिंह के सामने वो हार गए थे, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और राहुल गांधी के राइट हैंड बन चुके हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। तो कन्हैया कुमार जो कि राहुल गांधी के एक मजबूत स्तंभ है, तो दूसरी तरफ खुद को पीएम मोदी का सिपाही बताने वाले मनोज तिवारी हैं। तो मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, दिल्ली के इस सीट पर दो बिहारी आपस में टकरा रहे हैं और इस टकराहट का क्या परिणाम निकलेगा यह बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कन्हैया कुमार जिस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह से युवाओं में उनका क्रेज है, खास करके जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है वैसे लोग कन्हैया कुमार को काफी पसंद करते हैं। मनोज तिवारी दो बार से लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं, सांसद है 10 सालों से, तो उनको लेकर थोड़ी एंटी कंबेसी का माहौल है, लेकिन मनोज तिवारी का भाजपा में क्या अहमियत है इस बात से समझ लीजिए कि दिल्ली के 7 जो वर्तमान सांसद थे उनमें से सबका टिकट कट गया लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट भाजपा ने नहीं काटा है, क्योंकि मनोज तिवारी का जिस तरह से भोजपुरी बोलने वाले लोगों पर प्रभाव है, जिस तरह से भोजपुरी गाने सुनने वाले लोगों पर वो उनको प्रभावित करते हैं, इसलिए मनोज तिवारी का इस्तेमाल न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी करती है बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मनोज तिवारी के तिवारी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मनोज तिवारी जो है भाजपा के लिए खास है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार किस तरह से यहाँ पर माहौल बनाते हैं, क्या बीजेपी का जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर सफल होगी या फिर कन्हैया कुमार तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार जब बेगूसराय में भी चुनाव लड़े थे तो जो हिंदू वोटर हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, वो कन्हैया कुमार के साथ नहीं जा पा रहे थे, तो यह चैलेंज जो है कन्हैया कुमार के लिए अभी भी बरकरार है। तो देखना होगा कि दिल्ली में क्या, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में क्या होता है, और इसके साथ भी ये भी चर्चा है कि जो
यहां से इस बार चुनाव लड़ेगा उसे दिल्ली की राजनीति में बहुत आगे जाना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं घोटाले के आरोप में फंसे हुए हैं, जेल के अंदर बंद हैं, तो इसके बाद कोई और बड़ा चेहरा जो नहीं दिख रहा है। तो अगर कन्हैया कुमार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से चुनाव जीत जाते हैं तो कन्हैया कुमार को दिल्ली में कांग्रेस जो है एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। वही हाल मनोज तिवारी के भी साथ हो सकता है। अगर मनोज तिवारी यहां से हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर दिल्ली भाजपा का कमान जो है मनोज तिवारी को दिया जा सकता है। तो दोनों ही नेताओं के लिए यह चुनाव काफी अहम है। इसके अलावा ये जो सीट है अब हॉट सीट बन चुकी है, पूरे देश की नजर जो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर टिक गई है कि मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार क्या होने वाला है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।